जी स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास एक नया क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जो आपकी डिमांड पर मैंने सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास गिवन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो क्वेश्चन है इसमें जो इक्वेशन दी हुई है वो मैं लिखता हूं, तो 2kx² - 3x + 4k = 0। सबसे पहला काम मेरा गाइस ये होगा कि मैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट, जो इक्वेशन दी हुई है, इसे कंपेयर करूंगा विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 2k and the value of b is -3 and the value of c is 4k. As I know the coefficients of x and c are taken as a, b, c. So by writing it, a is equal to 2k, b is equal to -3 and c is equal to 4k. तो दोस्तों मैंने यहाँ तक a, b, c की values अब find कर ली हुई हैं, तो अभी next मेरे पास इनकी sum और product लेनी है, यानी कि मुझे roots की sum भी लेनी है और product भी लेनी है। तो सम के लिए, सम ऑफ रूट्स जो है, इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो गाइस मेरे पास b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, तो मैं इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा माइनस ऑलरेडी मौजूद है और b की वैल्यू भी मुझे नेगेटिव दी हुई है, मैं वो लगा दूंगा और a की जगह मेरे पास 2k आ जाएगा। तो अभी मेरे पास जो सम है वो बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस 3/2k, मेरे पास ये सम निकल आया। अभी मुझे इसकी प्रोडक्ट भी फाइंड करनी है कि मैंने इन रूट्स का, इस इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट भी लेनी है, तो प्रोडक्ट के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, वो है जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। एंड गाइस यू हैव ऑलरेडी रिटन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो c की जगह मेरे पास 4k आ जाएगा, a की जगह भी मेरे पास 2k आ जाएगा, अभी मेरे पास k और k खत्म हो जाएंगे और 2 to 4 आ जाएगा, तो मेरे पास गाइस प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है, जो रूट्स की प्रोडक्ट है वो 2 आती है सिंपलीफाई करने पे। तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं क्योंकि आधी स्टेटमेंट, क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन स्टेटमेंट में मौजूद होता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा गौर से पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि कंडीशन हमें क्या दे रहा है कि हमें ये पूछा गया, हमें ये बताया गया है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का 2 गुना है, सम है प्रोडक्ट का कितना है, 2 गुना है। इट मीन कि मैं लिख सकता हूं बाय कंडीशन या फिर बाय गिवन कंडीशन आई कैन राइट इट एज सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये मेरे पास कंडीशन लगी हुई है कि जो रूट्स की सम है वो ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट है। तो अभी मेरे पास इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2k है क्योंकि मैंने उसे पहले से फाइंड कर रखा है और अभी मैंने आपके सामने अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाली, वो प्रोडक्ट की वो 2 थी, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू अब लगा ली है। मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 3/2k = 4। उसके बाद आपको पता है आप इसमें से k निकालना है, तो आप क्या करेंगे, k वाली वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे और दूसरी इस तरफ ले जाएंगे, तो मेरे पास ये 2k आ जाएगा। अभी मुझे k सिंगल टाइम्स में कुछ सिंगल करना है, उसके साथ 2 कोफिशियंट आ रहे हैं, मुझे कोफिशियंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए जो भी कोफिशियंट आ रहा है उस कोफिशियंट पे दोनों साइड ऑफ इक्वेशन के डिवाइड कर देंगे, या फिर सिंपली ये कर लेंगे जो k के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3/2 × 4, ये जो 2 है ये मेरा k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ है। तो अभी मेरे पास जो k की वैल्यू बनेगी वो है आएगी 3/8। तो अभी मेरे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। जस्ट आपने करना क्या था कि आपने सम और प्रोडक्ट लेनी है क्वेश्चन की पहले, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कंडीशन लगाई हो कि सम और सम इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप उसको कैसे करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है, ट्रिपल थ्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है, इस तरह से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सम और जो उसका रिलेशन है वो क्या बनता है। जस्ट आप स्टेटमेंट गौर से पढ़े तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए ताकि आप मजीद अच्छी अच्छी वीडियो मैथ के लेक्चर्स की हासिल कर सकें।